क्या एमसी स्टैन के साथ साथ प्रियंका चाहर चौधरी को भी टीना दत्ता ने कसा है तंज? दरअसल टीना दत्ता का एक इंटरव्यू जो कि काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं एमसी स्टैन की जीत से टीना दत्ता बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही हैं। आखिर उन्होंने क्या कहा है, चलिए आपको बताते हैं। उनका कहना है, स्टैन ऑलमोस्ट 2.5 महीने तक के सो रहा था, उसको घर जाना था, जो भी था। इस बार डायनेमिक कुछ और थे, बिग बॉस का गेम कुछ और था, जिसकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, जिसका अभी अभी ताज़ा शो खत्म हुआ है, वो कुछ ना करके शो जीत सकता है। यहाँ पर एक लाइन जो कि कुछ ना करके शो जीत सकता है, जिसका शो अभी अभी ख़त्म हुआ है, ये बात उन्होंने बोली। जिसके बाद यहाँ पर खबरें सामने आ गई कि ये बात प्रियंका चाहर चौधरी के लिए बोली गई है। टाइम के साथ साथ टीना ने प्रियंका को भी तंज कसा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, टीना ने यहाँ पर प्रियंका को नहीं बल्कि निमृत कौर आलूवालिया को तंज कसा है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए निमृत का भी शो ख़त्म हुआ, उसके बाद वो बिग बॉस के घर में आई और कितना ज़्यादा सपोर्ट उनको पहले दिन से लेकर के कितने दिनों तक के बिग बॉस के घर में मिला, चाहे वो कैप्टेंसी हो चाहे वो टिकट टू फिनाले हो, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट निमृत को मिला था, वही सारी चीज़ें कहती हुई नज़र आई हैं टीना दत्ता। बल्कि टीना की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी प्रियंका के साथ और प्रियंका बिग बॉस के घर में कंटेंट दे रही थी, लोगों का दिल उन्होंने जीता, भले ट्रॉफी नहीं जीती है। तो यहाँ पर एमसी स्टैन और निमृत को लेकर के बोला है टीना दत्ता ने। कल क्या कहना है, क्या आपको लगते हैं एमसी स्टैन एक डिजर्विंग विनर? कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।